मेरा नाम खुशदेव सिंह है जी, बयानपुर क्रैशर के आप मालिक है। मेरे नाल साढ़े बिश्नू गुरदासपुर के छे क्रैशर है, छे मालिक आए हुए हैं। क्रेता बजरी ते किसान यूनियन का धरना ही जिदे नाल साडा इन्होंने साथ मंगया, ते असी भी इहदे धरने दे विच शामिल होने वास्ते अहीं आए हैं। ते साडियां अपनियां मजबूरियां हैगियां भी असी क्यों आए हैं। साडे क्रैशर बंद किए गए 4 महीने तो, मतलब 4 महीने तो आपां कोई लेबर का बंदा जिहड़ा हैगा आपां क्रैशर ते नहीं रखे। 40-40 बंदे साडे क्रैशर ते काम करदे जिहड़े सिर्फ आपां 2-2 रखे दे आ, सिर्फ वो भी गड्डिया मशीन राखी रखने वास्ते, बाकी आप सारी लेबर को जवाब देता। साढ़े को तनखाह नहीं दी जाएँ, इंस्टॉलमेंटा नहीं गड्डिया दी जाएँ, अं नहीं रख सकते, साड़ी मजबूरी है। 40-40 बंदे साढ़े क्रैशर तो जोड़े आ वो मजदूर वेले हो गए। सरकार का जो बदलाव हैगा ना जी, वो बदलाव यह हैगा ही जो कांग्रेस सरकार आई ही ना, वो भी आप बदलाव ही लेना चाहती ही। 430 तो रियालिटी उन्होंने 600 कर दी, ये कहते जी आप बदलाव लिया, इन्होंने 600 तो 1000 रुपया कर दी। बदलाव ये किया भी जे दुनिया माड़ी हैगी होर माड़ा किया जाए, बाकी इन्होंने तो कोई असर नहीं आता पैंदा पिया। आप भगवंत मान जी गड़बा खेले करते जाके उ गुजरात में, इन्हों की कोई तनखाह घट गई, इन्हों को TADA घट गया, इन्हों का कोई फर्क नहीं पाया, साडा ही फर्क पाया। साढ़े 4 महीने तो क्रैशर बंद, साढ़े किसी बंद ने गल ही नहीं सुनी, आन के किसी नुमाइंदे ने गल नहीं सुनी। नवी जी पॉलिसी लैके देखो, रेता जी कोई सस्ता नहीं, 600 रुपया रियालिटी पहले लेंदे ही, इन्होंने 900 रुपया रियालिटी की है। रेता रूता कोई सस्ते लोगों को मिल ही नहीं रही, साढ़े पंजाब के क्रैशर तो एक भी नहीं चलता ना रेता बजरी मिल रही है। जे वो हिमाचल चो तो GNK जो रेता लिया गया की गल, उ माइनिंग खुली है, उत्थे सरकार नहीं है, उत्थे NGT नहीं है, उतों कि रेता बजरी जी GNK चो हिमाचल च पंजाब चलती है। मतलब कहन का यह है कि हिमाचल में इलेक्शन हैगा आ, हिमाचल दे मतलब चलन दौ, हिमाचल में चलन दौ, पंजाब में बंद कर दो, क्योंकि पंजाब तुम जित लिया, हुण हिमाचल जितना तो हिमाचल के लोगों उनके क्रैशर चलन दो, उन्होंने रियालिटी चलन दो, सत्त इन्हों का कोई फर्क नहीं पिया। जे इन्होंने हिमाचल में भी जे रेता बजरी बिकती है तो यह 7-8 हज़ार रुपया गड्डी का पंजाब वाले ले लेंगे, इन्हों का रेवन्यू तो आ रहा, पर साढ़े क्रैशर तो नहीं ना चल रही। जी साड़ी सरकार है ना जी, ये संघर्ष तो तैयार हुई ही, केजरीवाल संघर्ष तो ही तैयार होया ही, इस करके सानू भी संघर्ष ते आना पेगा। फिलहाल आप सड़क के एक साइड से बैठे हैं, अं किसी पब्लिक नू आन जान तो कोई डके नहीं करते, एक साइड से बैठे हैं। जो तो साढ़े 4 महीने तो क्रैशर बंद ने, तो जे थोड़ा जा समा होर लगेगा तो आप सड़क के गब्बे बैठा, सानू हक है नहीं। जे रामलीला ग्राउंड के जाके बैठ सकते तो आप सड़क के बैठा। मैं जी हरदेव सिंह चिट्टी, लोक भलाई इंसाफ वेलफेयर सोसायटी का एक सेवादार। अज जिहड़ा रेता बजरी का जो संघर्ष विढ के बैठे इत्थे, वह इस करके आ कि कल्ले आपां थोड़े परिवारां नूं लैके ना चलीए कि थोड़े परिवार वेले हो गए ने, बहुत ज़्यादा परिवार साढ़े कम्मकारां तों वेले हो गए ने, जिवें कि राज मिस्त्रियां तों लैके जाल बन्नण तक ते सीमेंट सरिए दीआं दुकानां तक ये सब वेले बैठे ने, रेते दी ढोआ ढोआई वाले वेले बैठे ने। सरकार नूं इह गल पुछणी चाहुंदे आ कि जिहड़ा अपनी दस्तकारी सीख के आप कमा के खाना चाहता, वह भी तुसी खाना बंद करता, तो वादे तुसी इलैक्शनां दे टाइम ते कहिंदे हो भी हर एक बंदे नूं रुजगार देंगे, तुसी ये रुजगार जिहड़ा खो रहे हो, ये तुहाडा एक बहुत ही मदभागी जिहड़ा वह हैगा। इस करके असी पंजाब सरकार नूं, सेंटर सरकार नूं ये गल कहनी चाहते हैं कि ये ना कहो कि असी रेता इनलीगल चलता सी वो बंद किया, तुसी इहनूं वेखना कि किद्दां चलता सी, किवें चलाउणा, यह सरकारां दा काम है ना कि पब्लिक दा। पब्लिक दा काम है उन्हां नूं रेता बजरी मिलेगा, वह अपने घर बनाउणगे, राज मिस्त्री काम करनगे, दुकानदारां दा कारोबार चलेगा। यह सरकारां जिहड़ियां ने इलैक्शनां दे टाइम ते बहुत वड्डे वादे करदियां ने, ते इलैक्शन तो बाद यह जिहड़े आ यह बाद विच लोकां नूं कुचलण दी कोशिश करदे आ। इस करके अज दा जिहड़ा प्रदर्शन आ यह एक छोटा जिहा प्रदर्शन है, सरकार नूं अज दे इस प्रदर्शन राहीं यह एक चेतावनी भी देनी चाहुंदे आ कि जे जल्दी तो जल्दी तुसीं यह फैसला ना लिया, आने वाले दिनों दे विच बहुत वड्डा संघर्ष विढ के तुहाडा नक्क च दम कर देंगे, नहीं तो यह जल्दी तो जल्दी यह एक्शन ते गौर की जाए। जी गुरप्रताप सिंह, भारतीय किसान यूनियन एकता ग्राहां ब्लाक पुराना छाला, शहीद बीबी सुंदरी जी गुरदासपुर। अज असीं इत्थे जिहड़ा रेता बजरी संघर्ष मोर्चा वो बैनर हेठ सारे जोड़े जिन्ना भी रेता बजरी संबंधित तबका वै
जिन्ना प्रभावित तबका वो सारा इत्थे इकट्ठा होया ते लगभग पिछले लंबे समय तो 6-7 महीने के उत्तों जदों तो सरकार बनी है तो यह जिहड़ा एक रेता बजरी दे जिहड़ा कारोबार है इहदे नाल एक बड़ी वड्डी चैन वाइज जिहड़े स्टैप वाइज बहुत सारी जिहड़ी है लेबर ते होर जिहड़ा तबका जुड़िया वो प्रभावित हो रहा है ते वो इस करके जिहड़ा पिछले लंबे समय के उत्तों असीं जिहड़ा सरकार नूं आवाज़ पहुँचा रहे सी अज भी असीं जिहड़ा अपनी आवाज़ पहुँचाउण वास्ते इत्थे जिहड़ा बब्बरी चौंक बाईपास दे उत्ते एक प्रदर्शन जिहड़ा सरकार नूं अपनी आवाज़ पहुँचाउण वास्ते कर रहे हैं साधन अपने खड़े करके ते नाल जिहड़े उहनां दे नाल प्रभावित लोग ने लेबर वाले मिस्त्री वो सड़क के कंडे ते खड़े हो के आम लोगों को यह दस रहे हैं कि असीं जिहड़ा वड्डा तबका इस तों प्रभावित हाँ ते सरकार नूं जिहड़ा इहदे संबंधी माइनिंग संबंधी कोई जिहड़ा वधिया फैसला करके ते जल्दी तों जल्दी ये चालू करनी चाहिए है ते इहदे नाल नाल जिहड़ी किसानां दी जिहड़ी है माइनिंग जमीन की मिट्टी की माइनिंग की जाती है तो नाल JCB वाले तो होर जो टिप्परा वाले उत्तों ही बहुत वड्डे प्रभावित ने क्योंकि जिहड़ा किसान अपनी जमीन दे विचों मिट्टी चुकण तो भी बड़ा ये जो भी चुकता है जो जी JCB वाला टिप्पर वाला मिट्टी चुकन वास्ते आता उदों भी परचे करके तो थाणियां दे विच डक्या जा रहा वो भी जिहड़ा ये जिहड़ी किसान अपनी जमीन नूं पद्धरी करन वास्ते भी जिहड़ा ये माइनिंग विभाग का जिहड़ा वड्डे परचियां का सामना करना पै रहा उहदे रोस वजो भी अज जिहड़ा असीं किसान यूनियन आ ते होर जिन्ने साडे नाल वीर ने वो सारे इकट्ठे होए ने इहदे नाल आवाजाई नहीं प्रभावित हो रही नहीं बिल्कुल नहीं जी आप साइड पर बैठे हैं एक सर्विस रोड के उत्ते अज तो सिर्फ ये दसन वास्ते बैठे हैं भी आने वाले समय के जे का कोई हल ना हो जे केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार ने ये बारे कोई ना सोचा तो फिर ये जिन्ना समूह है तो कई गुणा वड्डा समूह करके तो आप फिर सड़क भी रोकांगे होर भी जो कुछ हो करांगे हुण तक किन्ने क परचे जिहड़े ओह माइनिंग दे इह ना हैगे लगभग 150 जिहड़ी है टिप्पर जिहड़ी ओह जिहड़ी है तारागढ़ थाणे दे विच जिहड़ी है उत्तों प्रभावित होकर डकी हुई है साढ़े वख-वख थाणियां दे विच इत्थे पिछले पिछले दिनों गुरदासपुर के भी आपां माइनिंग विभाग के खिलाफ 3 दिन का धरना जिहड़ा लाया JCB वाले जिहड़े वीर उन्होंने भी इकट्ठे होकर काफ़ी जिहड़ा संघर्ष किया परंतु हुण जिहड़े सारे वर्ग इकट्ठे होकर तो जिहड़े तो जिन्होंने ये चीज़ां वरतनियां ने रेता बजरी उन्होंने भी सारे आपां लामबंद कर रहे हैं क्या वह सारे ये इस मुद्दे के उत्ते इकट्ठे होकर वड्डा संघर्ष करिए सरकार ये उत्ते जिहड़ी उसारी का जिहड़ा काम है वो कोई होर दिशा निर्देश दे कि लक्कड़ के बनाने जां कि होर चीज़ के होर किसी धातु बनाने ने तो जे रेता बजरी तो इट्टा तो बनाने ने तो फिर यह प्रबंध करके बलबीर सिंह रंधावा पंजाब किसान मजदूर यूनियन ते रेता बजरी संघर्ष मोर्चा जिहड़ा गुरदासपुर ते पठानकोट दीआं लोक जथेबंदियां ने रल के बनाया उहदा आगू है जी। ये अज दा जिहड़ा सद्दा दित्ता गया ये जो नजायज़ माइनिंग के नां थले गुरदासपुर ते पठानकोट जिलों के जिहड़ा खड्डां दे विचों पत्थर बजरी ते दरियावां दे विचों जिहड़ा रेता कढ़न दे उत्ते जिहड़ी है वह पूर्ण पाबंदी ला दी गई है वो खिलाफ है कि क्योंकि इस पाबंदी ने साढ़े दोनों जिलों के पूरे जन जीवन बुरी तरह प्रभावित कर दिता वा ठप करके रख दिता साड़ी जिंदगी की तौर है जी जड़ा वो बंद कर दिता क्योंकि ये बहुत वड्डा हिस्सा साढ़े समाज का प्रभावित हो गया कहन सरकार के दाव्या के मुताबिक हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार गवर्नर पंजाब के कहण के अनुसार कि नजायज़ माइनिंग हो रही है पर क्रैशर तो लैके समाज का साडा वड्डा हिस्सा वो है जिहड़ा कानून का पाबंद है कानून के अनुसार अपना कारोबार कर रहा है और उस कारोबार दे विच अपना जिहड़ा वह रोजी रोटी जिहड़ी है वह कमा रहा एक तरह के नाल इस पाबंदी के नाल साडे वड्डे हिस्से दे रोटी रोजी दे उत्ते जिहड़ी आ पाबंदी लग गई है इस करके अज का जिहड़ा ये रोस एक्शन जिहड़ा इहदा सद्दा दित्ता गया जथेबंदियां ने मिल के इहदे विच क्रैशर यूनियन इहदे विच किसान जथेबंदियां साडी भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां साडी जथेबंदी आ पंजाब किसान मजदूर यूनियन भारतीय किसान यूनियन सरसा बार्डर किसान यूनियन ते पठा मजदूर यूनियन होर जिहड़ियां जनतक जथेबंदियां ने जिहड़ियां शामिल ने टिप्पर यूनियन ये शामिल है इन्हां सारिआं ने रल के रेता बजरी संघर्ष मोर्चा जिहड़ा कायम किया उहदे वल्लों इह पहला जिहड़ा रोस एक्शन अज किया जा रहा जी। फस्ट है ये जिहड़ा साडा रेता ते बजरी मोर्चे की अजे शुरुआत है अजे जिहड़ी लामबंदी असीं कर रहे हां अज दा जिहड़ा एक्शन है ये कोई जिहड़ा एजीटेशन तो वध के ये एक तरह के नाल प्रचार का जिहड़ा वो एक्शन है लोगों तक प्रभावित समुचे लोगों तक उन्होंने एक आस बनाने वास्ते एक सांझा जिहड़ा एक थड़ा है वो आवाज़ उन्होंने तक पहुँचाने वास्ते कि निराश उदास होने की कोई लोड़ नहीं
ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਕਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਲੈ ਕੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਟਿੱਪਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿਲਾਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਜੀ।